मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देश का एकलौता दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शिव भक्तों को कालों के काल महाकाल के रूप में दर्शन देते हैं। कहा जाता है कि अवंतिकापुरी के राजा विक्रमादित्य बाबा महाकाल के भक्त थे और भगवान शिव के ही आशीष से उन्होंने यहाँ करीब 132 सालों तक शासन किया। अब चूंकि प्रदेश में चुनाव है, ऐसे में बाहरी नेता महाकाल के दर्शन करने यहां पहुंच रहे हैं, साथ ही इसी बहाने यहां राजनीति से खुद को जोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार आज तड़के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे और भस्म आरती में शामिल हुए। दो दिन के दौरे पर एमपी आए डी के शिवकुमार की माने तो वो भगवान महाकाल और काल भैरव के भक्त हैं और उनका जब समय खराब चल रहा था तब भी वो दर्शन के लिए 3 बार उज्जैन आ चुके हैं। डी के शिवकुमार ने कल रात भगवान काल भैरव के दर्शन किए थे और आज तड़के वो बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर आशीर्वाद लेने पहुंचे और सभी की खुशहाली के लिए कामना की। वहीं शिवकुमार ने कहा कि महाकालेश्वर ने हमें कर्नाटक में सरकार के रूप में लोगों की सेवा का अवसर दिया है। मैं यहां चुनाव से पहले भी आया था। आज से हम कर्नाटक में महिलाओं के लिए बसों का किराया फ्री कर रहे हैं। एक तो भीषण गर्मी, सूरज उगल रहा आग का गोला, ट्रक में आग लगी और ट्रक में रखी लकड़ियां जिसकी वजह से नजर आ रहा है आग का रौद्र रूप। ये तस्वीरें खंडवा की है जहां पेट्रोल पंप के पास महू से अमलापुर की ओर जा रहे ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि पूरा ट्रक धू धू कर जल उठा। आग ने पूरे ट्रक को अपनी जद में ले लिया। ट्रक में रखे लकड़ियों की वजह से आग तेजी से फैलता गया। वहीं मौके पर दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। यह हादसा खंडवा हरसूद रोड की है। गर्मी के दिनों में आग लगने की घटना अक्सर सामने आती रहती है। एक बार फिर राजधानी भोपाल से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां इलेक्ट्रिक की दुकान में देर रात आग लग गई। इस आग की चपेट में आकर दो दुकानें स्वाहा हो गईं। तस्वीरें देर रात की बताई जा रही हैं, जहां दुकान में आग लगी थी। आग इतनी भयावह थी कि सुबह तक दुकान धू धू कर जलती रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह आग की लपटें उठ रही हैं। इस आग की लपटों में दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि मौके पर दमकल विभाग को सूचित किया गया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि आग पर काबू पाते पाते दुकान जलकर स्वाहा हो गई। विवाद के दौरान गुस्सा और गुस्से के बाद चाकूबाजी और फिर जो हुआ हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले उस तस्वीर की पूरी कहानी जान लीजिए। दरअसल रायगढ़ में दो युवकों के बीच किसी मामले को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक के पेट में चाकू से वार कर दिया। चाकू युवक के पेट में आधा घुस गया। तभी उसे लेकर लोग जिला अस्पताल पहुंचे, जहां आपातकाल में कोई सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं थे। वहीं मौजूद कर्मचारियों के मुताबिक मामला गंभीर था, इसलिए घायल युवक को बिना प्राथमिक उपचार के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद दो बातें सामने निकल कर आती हैं कि क्या जिला अस्पताल में आपातकालीन व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ है या नहीं, तो वहीं दूसरा ये कि क्या एक छोटे से विवाद के बाद इतना बड़ा कांड हुआ है और पुलिस कहाँ है। किसी भी तरह की सड़क दुर्घटना को रोकने और स्कूली बच्चों को सुरक्षा के मद्देनजर यातायात विभाग ने कमर कस ली है। यातायात विभाग ने आज से स्कूली बसों की फिटनेस जांच शुरू की है।
रायपुर में स्कूलों में नया सत्र शुरू होने से पहले बसों और चालकों की जांच शुरू हो गई है। रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से छात्र छात्राओं की सुरक्षा और सुगम सुरक्षित आवागमन के लिए जिले के शैक्षणिक संस्थानों में संचालित स्कूली बसों की मैकेनिकल जांच होगी। इसके साथ ही चालक और परिचालकों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण भी किया जाएगा। आयोजन पुलिस परेड ग्राउंड में किया गया। इस जाँच शिविर में कुशल मैकेनिकों द्वारा स्कूल बसों का मेडिकल जाँच किया जा रहा है। बता दें, छात्र छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी यातायात पुलिस रायपुर और परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से शिक्षण सत्र प्रारंभ के पूर्व स्कूली बसों का मेडिकल जांच शिविर तथा चालक परिचालकों का स्वास्थ्य नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। गले में सफेद गमछा, बदन में नीले रंग की शर्ट, स्वभाव में सनकी और दिखावट दबंगई वाली, ये इंसान नहीं बल्कि इस इंसान के रूप में इस जल्लाद कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बदमाश पीले रंग का टी शर्ट पहने इस पुजारी की पिटाई कर रहा है, इसे देखकर इतना ही कह सकते हैं कि इस व्यक्ति में वेदना नाम की कोई चीज नहीं है। तस्वीरें भिंड की हैं, जहां गोहद के नरसिंह मंदिर के पुजारी की एक बदमाश ने पिटाई कर दी। देखिए कैसे ये बदमाश पुजारी के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ लोग पुजारी को बदमाश के चुंगल से छुड़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, हालांकि वो इसमें बहुत देर तक कामयाब नहीं हो पाते। लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस बदमाश के चुंगल से छुड़ाया जाए। वही पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। हालांकि पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। कहते हैं, माँ की ममता से बढ़कर कुछ नहीं होता। पिता के लिए एक बेटी लाडली होती है। माँ बाप का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करें। लेकिन जब बच्चे अपनी मर्जी से या अपने पेरेंट्स के खिलाफ होकर कोई बड़ा कदम उठा लेते हैं तो उनका गुस्सा देखने के लिए मिलता है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक माँ बाप ने अपनी बेटी को मृत बता दिया। जी हाँ, हम बात करेंगे जबलपुर की, जहां एक मुस्लिम युवक से शादी करने वाली युवती के परिजनों ने अपनी ही जिंदा बेटी को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि लड़की ने अपनी पसंद से एक मुस्लिम लड़के से लव मैरिज की थी, जिसके बाद परिवार के लोगों ने बेटी के शोक संदेश के कार्ड छपवा कर उसे मृत घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, इस शोक संदेश में परिवार ने बेटी को कुपुत्री और नरकवासी तक बता डाला। जानकारी के मुताबिक युवती ने इसी साल जनवरी में मुस्लिम युवक से शादी कर ली थी, जिसकी जानकारी उसके परिवार वालों को नहीं थी। नेता ऐसे होते हैं जो अपने अलग अंदाज की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, जनता के बीच हमेशा कुछ ऐसा कर गुजरते हैं कि जनता के दिल में बस जाते हैं। ऐसे ही एक हैं उत्तराखंड के सीएम। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अक्सर अपने काम को लेकर चर्चा में रहते हैं। उत्तरकाशी दौरे पर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सुबह सवेरे खेत में पहुंच गए और वहां उन्होंने न केवल हाथ से चलने वाला ट्रैक्टर चलाया बल्कि खेत में बीज भी बोए। तस्वीरों में सीएम के इस अनोखे अंदाज को देख सकते हैं। सीएम खेत में हाथों से ट्रैक्टर चला रहे हैं। इनके इस अंदाज को देखकर हर कोई गदगद हो गया। वहीं सीएम सिर्फ ट्रैक्टर ही नहीं चलाए बल्कि वहां लोगों से मुलाकात भी की। सीएम ने लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। शादियों में खाना किससे पसंद नहीं होता। तरह तरह के आइटम, लजीज स्वाद, शायद ही कोई हो जिसे शादी का निमंत्रण मिले और वो ऐसे मौके पर ना जाए। लेकिन सोचिए, अगर आप शादी में खाना खाते हैं और खाना खाने के बदले जुर्माना देना पड़े, वो भी छुआछूत की वजह से, तो समझिए हम कितने विकसित हैं।
ऐसा ही मामला राजगढ़ से आया, जहां वाल्मीकि समाज के शादी में खाना खाने गए मालाकार समाज के एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। उस शख्स पर उसके ही समाज वालों ने जुर्माना लगाया। बता दें कि व्यक्ति वाल्मीकि समाज के एक युवक की शादी में शिरकत करने पहुंचा था। वहां मौजूद लजीज खानों का स्वाद भी चखा, लेकिन यह स्वाद उन्हें महंगा पड़ा। मालाकार समाज ने उस व्यक्ति पर 5100 रुपए का जुर्माना लगाया, साथ ही मुंडन कर समाज से बाहर करने की बात कही। अब ऐसे में समझ सकते हैं कि हम भले ही 21वीं सदी में रह रहे हैं, लेकिन कुछ समाज आज भी 12वीं सदी की तरह सोच रखता है। कहने को तो कबाड़ एक ऐसा व्यापार है जिसमें वो सामान खरीदे जाते हैं जो हमारे काम का नहीं होता। जो सामान अपने काम का नहीं होता है, उस सामान को हम कबाड़ियों को बेच देते हैं। लेकिन कबाड़ियों ने इसे गोरख धंधा बना लिया है, और वो सिर्फ कबाड़ ही नहीं खरीदते, बल्कि इस कारोबार के आड़ में अवैध सामान भी खरीदते हैं, जिसमें चोरी का सामान शामिल है। अब दुर्ग पुलिस ने कबाड़ियों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने कबाड़ियों पर कार्रवाई करते हुए 40 से अधिक कबाड़ कारोबारियों पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान करीब 100 से अधिक जवानों को तैनात किया गया, जिसके बाद कबाड़ कारोबारियों में हड़कंप मच गया। इन 40 कबाड़ियों पर छापेमारी के लिए 40 टीमें बनाई गई। गर्मियों में आग लगने की घटना अक्सर सामने आती रहती है, कभी गाड़ियों में आग तो कभी किसी दुकान में। अब आग की एक और तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर दुर्ग के पाटन थाना इलाके की है, जहां HDFC बैंक की शाखा में आग लग गई। आग लगने से बैंक में रखे सारे दस्तावेज जलकर खाक हो गए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग किन कारणों से लगी, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है, कानून का पालन करवाना होता है। लेकिन सोचिए अगर पुलिस पर ही कोई अपनी दबंगई दिखाए, पुलिस के साथ गाली गलौज करे, तो इसका मतलब है कि उसे पुलिस प्रशासन और कानून से कोई खौफ नहीं। महेंद्रगढ़ से दबंगई का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया, जहां कुछ दबंग द्वारा पुलिस के साथ गाली गलौज की गई। दरअसल पुलिस कर्मी एक पेट्रोल पंप के सामने से ट्रक को हटाने पहुंचा था। इस दौरान दबंग पुलिस के साथ गाली गलौज करने लगे। तस्वीरों में देख सकते हैं 5 दबंग किस तरह एक पुलिसकर्मी पर अपनी दबंगई दिखा रहे हैं। पुलिस जवान मनेंद्रगढ़ सिटी कोतवाली थाने में पदस्थ हैं। अब इस तस्वीर को देखकर इतना ही कहेंगे कि दबंगों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। कांकेर जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर किरगा पाटी गांव के लोगों को एक अदद पुल की दरकार है। इलाके के लोगों को 12 साल से सिर्फ एक पुल का इंतजार है। ग्राम पंचायत मांदरी के आश्रित ग्राम किरगा पाटी के लोग बारिश के दिनों में काफी कठिनाइयों का सामना करते हैं। महज 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लोगों को 5 गांव घूमकर अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़ती हैं। और ग्राम पंचायत मांदरी गांव आते हैं, पुल नहीं बन पाने पर PWD के अधिकारी हमेशा टेंडर की प्रक्रिया में देरी को जिम्मेदार बता रहे हैं। अस्पताल की तस्वीर और सड़क पर खड़ा ये पिकअप वाहन इस खबर की कहानी बता रही है कि सड़क पर कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ये तस्वीरें कोरबा की हैं, जहां यात्रियों से भरी एक पिकअप पलट गई।
इस गाड़ी में करीब 30 लोग सवार थे, जिसमें से 15 लोग घायल हो गए, तो वहीं लगभग 8 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। इन घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बता दें कि ये सभी छठी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चैतमा नवापारा से बरीडीह जा रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हो गया। हादसा होते ही चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां सभी का इलाज जारी है। वहीं हादसे के बाद पिकअप वाहन में यात्रियों को लेकर जाना सवाल खड़ा करता है। गर्मी का मौसम है, ऐसे में मीठे मीठे तरबूज खाने को मिल जाए तो क्या कहने। कोरिया में तरबूज की पैदावार इस बार अच्छी भी हुई है और लोग जमकर मौसमी फल का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच जिले में बिक रहा है पीला तरबूज। कोरिया समेत संभाग में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे तो तरबूज ऊपर से हरा और अंदर से लाल होता है, लेकिन कोरिया के किसान भरत राजवाड़े ने तरबूज की अलग किस्म की खेती की है। इन्होंने तरबूज की 3 किस्मों को लगाया है, जिसमें सबसे अलग पीले रंग का तरबूज है, जो खाने में काफी मीठा है और अंदर से लाल निकलता है। वहीं दूसरी किस्म में तरबूज हरा रंग का है, पर अंदर से एकदम पीले रंग का निकलता है। ये भी काफी मीठा होता है और स्वाद भी अलग है। तीसरे किस्म का प्रायः सभी जगह पाए जाने वाला तरबूज है। इनके पीले तरबूज की जिले में काफी मांग है। लोग उनके खेतों तक पहुंचकर तरबूज खरीद रहे हैं। कोरिया में हर तरह के फल यहां की जलवायु में पैदा हो रहे हैं, जिसे देखकर कृषि वैज्ञानिक भी हैरान हैं। जब इस तरह के अनोखी पैदावार करने वाले किसान भरत राजवाड़े से बात की, तो उनका कहना था कि शुरू शुरू में काफी चिंता हो रही थी कि कोरिया की जलवायु में इस तरह के तरबूज लगाने का प्रयास सफल होगा या नहीं। लेकिन तरबूज की पैदावार अच्छी हुई और लोग भी इसे काफी पसंद कर रहे हैं। आने वाले साल में पैदावार को और बढ़ाया जाएगा।